हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नाश्ते की एकदम नई रेसिपी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हमने आधे कप मूंग की दाल 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी, तो ये अच्छे से भीग गई है। तो अब इसका पानी निकाल लेंगे। तो ये पानी निकाल दिया है, उसके बाद हम मिक्सी का छोटा वाला जार ले लेंगे और इसे पूरी दाल को इसमें डाल देंगे। तो ऐसे करके पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है हमने इसमें। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच हम दही डाल देंगे। तो 2 चम्मच दही हमने डाल दिया है, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे बिल्कुल बारीक कर लेंगे। ये आप देखिए, तो बिल्कुल बारीक हमने ग्राइंड कर लिया इसको। तो हमने पीसते हुए इसे 2-3 चम्मच पानी डाल दिया था। तो इसको हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल में निकाल लेते हैं। तो ऐसे करके तो ये पूरी निकाल दी है। फिर से हमने मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें आधी कटोरी हमने सूजी लिया है और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच, बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच हम इसमें बेसन डाल देंगे और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये कर दिया हमने ग्राइंड इसको, तो बिल्कुल हल्का दरदरा सा रखा हुआ है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसमें डाल देंगे सूजी और बेसन जो हमने ग्राइंड किया है, तो उसको हम इसमें मूंग दाल में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे करके और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जितना भी पानी इसमें चाहिए होगा तो हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, कोई भी झंझट नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसे मिक्स कर लेंगे। तो एकदम से पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये गीला हो जाएगा काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो ये आप देखिए, तो ये अच्छे से मिक्स कर दिया हमने और बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा 1 चुटकी काली मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं इसमें और 1 छोटा चम्मच है तो 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। तो आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालिएगा और इसे अच्छे से फेंट लेंगे 2 मिनट के लिए। तो ऐसे करके और बढ़िया सा फेंट लेते हैं। तो इसमें हमने पानी आधी कटोरी के करीब डाला है। तो ये आप अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो इसको ढक के रख देंगे और एक पैन रख लेंगे गैस में। इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल लेंगे, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, तो जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे और गैस को हम लो पे ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे अभी। उसके बाद 2 हरी मिर्ची इसमें कट करके डाल देंगे और हरी मिर्ची को भी हल्का सा भून लेंगे। तो ऐसे करके और थोड़ा सा भून लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद हम 1 प्याज डाल देंगे, तो छोटा छोटा काट लिया था हमने इसे प्याज को, वो डाल देंगे और 1 शिमला मिर्च डाल देंगे बारीक कट करके। और इन्हें दोनों को हम एक साथ ही भून लेंगे, मीडियम पे कर लेंगे गैस को, लो फ्लेम पे नहीं भूनेंगे। तो मीडियम पे ही हम इसको अच्छे से चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये आप देखिए ऐसे करके, और ये हमने भून लिया है। उसके बाद 1 टमाटर का हमने बीज निकाल दिए थे और 1 टमाटर डाल दिया है। तो सब्ज़ियाँ आप जो भी खाते हों वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसको भूनते हुए थोड़ा सा भून के गैस को मीडियम पे ही रखेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है। 1/2 चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे और 1 चुटकी वो डाल लेंगे हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं, छोटा चम्मच है ये। 1/2 चम्मच हम चाट मसाला डाल देंगे और 1/2 चम्मच ये भुना जीरा पाउडर है वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे ही करके और अच्छे से इसे मसाले भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो भी अच्छे से भून जाएं। तो ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। उसके बाद धनिया की पत्तियां डाल देंगे इसमें और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो कुछ ही सेकंड के लिए हम इसे भूनेंगे और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमने जो बैटर बनाया था उसको हम चेक कर लेते हैं।
तो ये आप देखिए बढ़िया सा बन रखा है। तो इसको मिक्स करके और उसके बाद हम जो सब्जियां हमने ठंडी करने रख रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारी सब्जियों को हमने डाल दिया है। उसके बाद इसे अच्छे से सब्जियों को इसमें मूंग दाल में मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे ही फेंटते हुए बढ़िया सी करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इनो ले रहे हैं, आधी चम्मच से भी कम है, इससे हमारा नाश्ता बढ़िया फुला फुला बनेगा। एक चम्मच पानी डालेंगे इसमें और इसे बढ़िया सा एक ही साइड को घुमाते हुए और कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही घुमा लेंगे। तो ये बढ़िया सा फुला फुला हो जाएगा हमारा जो बैटर है। उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ, तो फटाफट से इसे बना लेंगे। एक पैन हमने गैस में रख दिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल डाल रहे हैं, तो इसको तेल को हम थोड़ा सा बस जहाँ पे हमें नाश्ता बनाना है वहीं पे फैला लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा मसाले डाल लेंगे। तो ये हम थोड़ा सा वो डाल रहे हैं, राई डाल रहे हैं और थोड़ा सा हम ये सफ़ेद वाले तिल डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। खाते हो तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा तिल को। उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल लेंगे, हमने बारीक कट कर लिया था इसको। और थोड़ा सा इसे भून जाने के बाद हमने जो बैटर बनाया है वो हम डाल देंगे। तो ऐसे करके, और छोटी करछी है ये, तो दो करछी हमने बैटर डाला है। और उसके बाद इसे ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो ये आप देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, तो अच्छा ड्राई हो गया ऊपर से भी। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर लगा लेंगे ऐसे करके ब्रश से। और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो ये आप देखिए कितना बढ़िया सा बन गया एक साइड से। अब दूसरी साइड से हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही बना लेंगे खुले में ही। तो फिर से हम इसे पलट लेंगे। तो ये आप देखिए दूसरी साइड से भी बढ़िया सा सिक गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब ऐसे ही हमने सारे बना के तैयार कर दिए हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये मूँग दाल का नाश्ता कैसा लगा। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो वो ज़रूर बताइएगा। तो इसको आप सॉस या चटनी या ऐसे ही भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके साथ कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। थैंक यू।